नमस्कार, मैं हूं अंकिता मौर्य और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के चपेट में आ चुकी है और हम बोल इंडिया न्यूज चाहते हैं और सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि कृपया लॉकडाउन का आप सभी लोग पालन जरूर करें और अब अपने घरों पर ही रहे, क्योंकि जान है तो जहां है। देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिए। मूलतः कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने आप सभी से, मीडिया के साथियों से ये अपील की है कि आपके माध्यम से जन जागरूकता बढ़े, कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने का दो ही उपाय है। एक तो व्यक्ति खुद सजग हो जाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और दूसरा जो वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है भारत सरकार के तत्वावधान में, उसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लें। वर्तमान में ज़िले में 105 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जो बढ़ के आने वाले समय में 200 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। हमारी वर्तमान क्षमता प्रतिदिन 20,000 वैक्सीन एडमिनिस्टर करने की है। उस क्षमता का हम लोग चाहेंगे कि भरपूर उपयोग हो। हम लोग एक्टिवली इसमें लोगों को जन जागरूकता करके लाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबिलिटी सपोर्ट भी देने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं, उनमें से एक निर्णय ये लिया गया है कि सभी बाज़ार जो हैं वो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे, और बाकी समय जब बाज़ार खुला रहता है उस समय कठोर रूप से सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन दुकानदार की जवाबदारी होगी, उसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये निर्णय है, ये व्यापारियों की सहमति से लिया गया है कि जो दुकानें अलग अलग दिनों पर बंद हो रही थी उसके स्थान पर अभी सिर्फ रविवार को सभी दुकानें पूरे ज़िले में व्यापारियों द्वारा बंद की जाएंगी, तो ये आम सहमति से निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 21 तारीख से 31 तारीख तक मार्च महीने में सभी यात्री वाहन जो महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं छिंदवाड़ा ज़िले के लिए, वो बंद रहेंगे, उसका परिचालन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन से चर्चा की गई है और इस बाबत चिट्ठियां पड़ोसी ज़िलों में भी भेज दी गई हैं। तो कुल जमा हम लोग चाहेंगे कि आप सबों के सहयोग से जो ये सेकेंड वेव है कोरोना, इसको भी हम लोग सफलतापूर्वक नियंत्रण में कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित रख सकें। शहर में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, राजनीतिक होते हैं और